हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभित कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंज वाटिका में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस चैनल में कुछ सन लविंग प्लांट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। उन्हें कब और कहां लगाना चाहिए, क्या देखभाल की जरूरत होती है, इन सब के बारे में विस्तार से बताऊँगा। दोस्तों ने गौर से देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों चलिए कुछ सन लविंग प्लांट्स के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। अजेलिया, ये गर्मी और सर्दी में आसानी से चल सकता है। ये हमेशा हरा भरा पौधा रहता है। इसके फूल मिड स्प्रिंग से लेकर समर के आखिर तक आते हैं। अगस्त, ये मल्टी कलर्ड और लॉन्ग फ्लावर स्पाइक वाला फूल होता है। इसके फूल समर में आते हैं। इसमें बीमारी और कीड़े आदि कम लगते हैं। पिलाडिया, इसे ब्लैंकेट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूल रेड, येलो, ऑरेंज आदि कलर में आते हैं। ये हर जगह आसानी से उग सकता है और समर में बहुत अच्छा फूलता है। पोडेलिया, इसे बटरफ्लाई बुश के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्पल फ्लावर वाला पौधा है जो समर के शुरुआत से फूलने लगता है। ये भी आसानी से किसी भी जगह लगाया जा सकता है। क्रेप मार्टल, ये एक रोग प्रतिरोधी और गर्मी को सहने वाला पौधा है। ये साल में दो बार फूलता है। ये 2 से लेकर 20 फीट तक बढ़ सकता है। क्लेमेटिस, ये एक अच्छा ग्राउंड कवर है और ये पेरिनियल प्लांट है। ये खुली धूप में बहुत अच्छा चलता है। कोरल बेल, इसकी पत्तियां हल्की हरी, पर्पल, रेड या ऑरेंज कलर में होती हैं। इसके बेल शेप फ्लावर गर्मी के मौसम में चलते हैं। ये धूप और शेड दोनों जगह लगाया जा सकता है। डे लिलीज, ये पौधे सूखे को आसानी से सह सकते हैं, बीमारी आदि को भी आसानी से सह सकते हैं। ये बॉर्डर या गार्डन दोनों जगह लगाए जा सकते हैं। इसके फूल मिड समर में आते हैं। ये पौधा हर जगह आसानी से चल सकता है। जिरेनियम, ये एक हार्डी प्लांट है। ये ब्लू, लेवेंडर, पर्पल शेड में मिलता है। ये लो हाइट का पौधा है और बॉर्डर आदि में आसानी से लगाया जा सकता है। ये पेस्ट आदि को भी आसानी से सह सकता है। हाइड्रेंजिया, ये सफ़ेद, गुलाबी और नीले रंगों में मिलता है। ये किसी भी तरह की मिट्टी में चल सकता है। ये फ्लावर अरेंजमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइरिस, ये स्प्रिंग और अर्ली समर में फूलता है। ये लगभग हर मौसम में उगाया जा सकता है। ये हर जगह आसानी से लग सकता है। जो भी वार्वा, ये एक सकुलेंट प्लांट है जो पानी की बहुत ही कम आवश्यकता रखता है। ज़्यादा गर्मी या सर्दी को भी आसानी से सह सकता है। निफोया, ये लिली फैमिली का प्लांट है। इसे टॉर्च लिली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्पाइक टॉर्च की तरह की होती हैं। ये अर्ली समर में फूलता है और हर कंडीशन में हार्डी रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।